और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को 3,324 करोड़ की 3,063 किलोमीटर लंबी 113 सड़क परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम गहलोत रिमोट दबाकर सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नवीन महाजन, पीडब्ल्यूडी सचिव चिन्ही मीणा, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग डीआर मेघवाल और मुख्य अभियंता गुण नियंत्रण मुकेश भाटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सभी 31 जिलों के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने वाले हैं। संबंधित जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सभी जिलों और उपखंडों से वीसी के जरिए कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम में 2,933 करोड़ की 2,959 किलोमीटर लंबी 109 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि जोधपुर में नागौर की 333 करोड़ रुपए की पीपीपी मोड की एक परियोजना का शिलान्यास होने वाला है। भीलवाड़ा की बात कर ले, भीलवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ की 54 करोड़ से अधिक की 3 परियोजनाओं का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश को बड़ी सौगातें देने वाले हैं और देखिए आज 113 सड़क परियोजनाओं को सौगात देंगे और बड़ी सौगात, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअल कार्यक्रम भी होने वाला है जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रमुख सचिव नवीन महाजन पीडब्ल्यूडी के भी मौजूद रहेंगे और देखिए प्रदेश को बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री देने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने कई सौगातें इन दिनों प्रदेश को दी, चाहे बात राजीव गांधी ओलंपिक खेल की जाए, ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज जिस तरह से किया गया है ये भी एक बड़ी सौगात मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का उत्साह देखा गया ग्रामीण इलाकों के लोगों में और जिस तरह का रिस्पॉन्स वहां से निकल कर आया, देखिए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हालांकि इसने अपना रिकॉर्ड दर्ज करा, ये भी एक गर्व की बात प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में भाग लिया और ऐसे में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं, क्या क्या मुख्य सौगातें रहेंगी ये भी जानकारी चाहेंगे और जो कार्यक्रम होने वाला है इसके बारे में भी आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए शिखा, आज इस महीने में महीने की शुरुआत बहुत जोरदार तरीके से कही जा सकती है, क्योंकि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से एक कार्यक्रम आयोजित होगा, वर्चुअल कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश में 31 जिलों के अंदर 3,224 करोड़ की कुल 113 जो सड़क परियोजना है उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 12 बजे सीएमआर पर एक कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें डिप्टी मंत्री भजनलाल जाटव भी मौजूद रहेंगे, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नवीन महाजन, सचिव चिन्हरी मीणा, मुख्य अभियंता संजीव माथुर और तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इनमें करीब 3,063 किलोमीटर लंबाई की ये 113 सड़क परियोजना है जिनमें सड़कों का सुदृढ़ीकरण, पुलों का निर्माण, आरओबी का निर्माण, ऐसे तमाम तरह के काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिखा, तो ये जो टोटल जो प्रोजेक्ट है इनमें से 54 करोड़ की ऐसी प्रोजेक्ट भी हैं जो सवाई माधोपुर जिले को खासकर दी गई हैं। इसमें दानिश अब्रार इस कार्यक्रम में उस दौरान मौजूद रहेंगे, सवाई माधोपुर से जुड़ेंगे। इसके अलावा 31 जिलों में 2,933 करोड़ की 2,959 किलोमीटर लंबी 109 परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होगा। जोधपुर नागौर की पीपीपी मोड की एक परियोजना है 337 करोड़ की, जिसका शिलान्यास होगा। 3 जिलों में 54 करोड़ की 3 परियोजनाओं का भी अलग से शिलान्यास किया जाएगा। कुल मिलाकर के आज का जो कार्यक्रम है इसमें कोशिश ये की गई है कि प्रत्येक जिले को सड़क परियोजना की सौगात दी जाए और खासकर ऐसे दौर में जब मानसून के दौरान, आपको जैसा कि सबको पता है शिखा, हम समझते हैं इस बात को कि मानसून के दौरान सड़कों में जो पैच वर्क होता है सड़कें खराब हो जाती है क्योंकि डामर और पानी का बैर रहता है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि इसमें पैच वर्क भी हो और जब ये काम शुरू होंगे तमाम जो सड़क परियोजनाओं को, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सभी जिलों के अंदर जो टूटी हुई सड़कें हैं वो तो दुरुस्त हो ही जाएंगी,
नई सड़कें जुड़ेंगी, ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो जिला सड़कों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ेंगी और जिला सड़कों को राज्य कहते हैं स्टेट हाईवे से और नेशनल हाईवे से जोड़ेंगी। तो निश्चित तौर पर क्योंकि किसी भी प्रदेश की अगर हम बात करें उसके विकास की बात करें तो वहाँ की सड़कों का जाल कितना अच्छी तरह से बिछा हुआ है, वहाँ पर सड़कों का मैनेजमेंट ट्रैफिक का मैनेजमेंट किस तरह से है। अच्छा, इसमें एक खास बात यह भी है, जब सड़कें सुदृढ़ होंगी, सड़कें नई सड़कें बनेंगी टू लेन फोर लेन, तो निश्चित तौर से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आती है, सड़क सुरक्षा इससे बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन प्रदेश के लिए खासकर सड़क विकास की योजनाओं की बात करें तो एक बड़ा दिन है और हर एक जिले को कोशिश की गई है, साधने की कोशिश की गई है कि हर एक जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको उनकी जो डिमांड थी सड़कों को लेकर उनको पूरा किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में भी यही होगा कि तमाम जिलों से संबंधित जिलों से वहाँ के विधायक जुड़ेंगे, वहाँ के जिला कलेक्टर जुड़ेंगे, वहाँ के पीडब्ल्यूडी अधिकारी जुड़ेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि ये जो तमाम जो सड़क परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होगा इनको समय पर पूरा किया जाए। तो निश्चित तौर पर बड़ी ही विस्तार से और आपने बड़ी जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।